ऑप्शन टेक में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा, अगर आपकी एक्टिवा या कोई भी स्कूटर है, अगर ऑटोमेटिक, उसमें अगर आपकी ब्रेक जैसे लगी रह रही है अगर यहाँ से, तो उसको कैसे सही करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। जैसे मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ये मैंने अभी ब्रेक लगा दी है पूरी, जैसे आप ये देख सकते हैं, और वहाँ से वो जो है ये पीछे ही रह जाता है, ये आगे नहीं आता, तो हमें एक खींच के आगे करना पड़ रहा है, तो इसको सही करना है हमने। तो ये खोल के आपको एक बार चेक करवाऊंगा पूरा, मतलब कैसे सही होगा। वीडियो शुरू करते हैं, पूरा देखना। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या होगा कि ये वाला खोलना होगा, ये एक्टिव 125 है जिसमें ये वाला शोकर आता है, आप देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये खोलना होगा, हम ये खोल के आपको दिखाते हैं, उसके बाद बात करता हूँ। दिक्कत क्या है कि हम यहाँ से ऑयलिंग वगैरह करके हमने चेक करा तो ये सही नहीं हो रहा, इसलिए हमें ये पूरा खोलना होगा, तो ये निकालना पड़ेगा, ये सारा सिस्टम आपको दिखाएंगे। बाकी देख सकते हो आप दोस्तों, ये हमने पहिया खोल दिया इसका। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये चीज़ हमें निकालनी होगी, इसके अंदर हमें ऑयलिंग वगैरह करनी है। बाकी ये ध्यान रखना ये ब्रेक शू में ना चला जाए, क्योंकि अगर उसमें ऑयलिंग चली गई तो दिक्कत हो सकती है। बाकी मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे पार्ट्स में आपको ऑयलिंग करनी है, तो आपका ये जो है ब्रेक सही काम करेगा ये, क्योंकि ये जाम हो रखा है इस टाइम, बारिशों में चली है तो ये जंग लग गया अंदर से, उसको सही करना है हमने। वीडियो में बने रहना। बाकी हम अभी हम ये निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये खोलना पड़ेगा क्योंकि इसका नीचे का हिस्सा तभी निकलेगा। आप ये ऐसे करके खोल सकते हैं। बाकी दोस्तों आप ये देख सकते हैं इसको कैसे निकालना है आपने, इसको थोड़ा सा आप ऐसे एंगलाइज करेंगे और ये ऐसे बाहर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। जैसा कि अभी ये निकल गया, तो हमें इसमें सबसे पहले क्या होगा कि हमें ये एरिया पूरा क्लीन करना होगा, क्योंकि ब्रेक शू जो काम करते हैं यहाँ पे काम करते हैं, आप देख सकते हैं, ये ब्रेक शू आपको ज़रूरी होते हैं चेंज करने टाइम टू टाइम। अगर वो चेंज नहीं करते तो ये लाइनिंग घिस जाती है, तो फिर वो क्या करते हैं मैकेनिक वगैरह, वो इसको सही करवाते हैं, ड्रम दोबारा से लगवाते हैं, इसलिए आपको ये हमेशा ब्रेक शू टाइम पर चेंज होने चाहिए। बाकी मैं आपको ये क्लीन करके आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे आपको ये WD-40 का इस्तेमाल करना है, इसका बताऊंगा आपको, क्योंकि ये जो रखी है हमारी ब्रेक जाम हो रखी है, आप ये बिल्कुल भी ड्रम वगैरह में यूज़ ना करें, अगर यहाँ कर दी तो ये ब्रेक हमेशा के लिए फ्री हो जाएगी। बाकी ये जो हमने पूरा सिस्टम खोला है, ये क्यों खोला है, इसकी वजह ये है कि ये जो देख सकते हैं आप, ये जो ब्रेक जहाँ से लगती है आप ये देख सकते हैं जाम हो रखा है, बारिश में चल चल के पानी में अंदर से जंग लग गया, तो इसको हमें ऑयल डाल के सही करना होगा। इसमें ऑयल डालेंगे हम, और कहीं पे भी आपको ऑयल यूज़ नहीं करना, ये हिस्सा होता है यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑयल को, WD-40 को, और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये, क्योंकि ये ब्रेक आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा होता है ये घुमाता है ड्रम को, अंदर जो ब्रेक शू होते हैं उसको। अब यहाँ पर हम ऑयलिंग करेंगे, केवल आपको यहीं पर ऑयलिंग करनी है और कहीं पर भी नहीं करनी, बस इससे क्या होगा ये जाम वाला जो हो रखा है ये सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों अब आप ये देख सकते हैं फ्री हो गए अच्छे से, ये आप देख सकते हैं, कहीं पे भी आप घुमाएं कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी क्या था, मैंने यहाँ पे ऑयलिंग करी है यहाँ से, और इधर से भी ऑयलिंग करी है मैंने, तो भी फ्री हो गया। अगर ये आपका ऑयलिंग करने पे भी यहाँ से फ्री नहीं होता, तो आपको यहाँ से पेज खोलने होंगे, ये वाला पेज खोलना होगा, यहाँ पर ठोकेंगे आप जैसे ऊपर से, तो ये हिस्सा बाहर आ जाता है पूरा ये वाला, और ये वाला हिस्से को ग्रीसिंग कर देनी है पूरी अंदर से फिर खोलने के बाद, और ये आपका बिल्कुल अच्छे से फ्री हो जाएगा। बाकी मेरा तो ये ऑयलिंग करने पे ठीक हो गया। बाकी अब मैं इसको दोबारा से लगा देता हूँ, ब्रेक सही हो गई है बिल्कुल, और कोई दिक्कत नहीं देने वाली। अब आप ये देख सकते हैं फ्री हो गया बिल्कुल अच्छे से। बाकी आप ब्रेक शू की कंडीशन देख सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं ऐसे कैसे ही लगा दूँगा, एक माल इस पर मैंने लगा दिया और एडजस्ट कर दूँगा। बाकी आप ये देख सकते हैं एडजस्ट कर दिया हमने सही से, आप जैसे मैं ब्रेक लगाऊंगा तो ये पूरा मतलब सही से वर्क करेगा। पहले ये वर्क नहीं कर रहा था सही, ये जो हिस्सा है ये सही से वर्क नहीं कर रहा था, जाम हो गया था, तो इसके लिए हमें ये खोलना पड़ा। बाकी आपके पास कोई भी एक्टिवा है या फिर जुपिटर है या फिर कोई भी स्कूटर है, उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 6G हो गया, एक्टिवा 125 हो गया, उसमें आप ये ऐसे खोल के सही कर सकते हैं। बाकी अब मैं इसको पूरा अच्छे से लगा के आपको एक बार चेक करवाऊंगा। तो हमने अब सही से एडजस्ट कर दिया है, ये ब्रेकिंग पूरी सही से काम कर रही है, और ये जो यहाँ से जाम हो रखा था यही मैंने आपको मेन मकसद था दिखाना था, और ये फ्री हो गया बिल्कुल। यहाँ पे ऑयल डाला हमने खोल के, और यहाँ पे भी, और खोलने के बाद ही होता है क्योंकि अंदर से हमें ऑयल डालना पड़ता है इसमें, तब जाके ये सही से काम करेगा, नहीं तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। और यहाँ से हमने ब्रेक वगैरह लगाने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, बाकी आप वो और वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, कोई इशूज़ नहीं होते इसमें, वो काफ़ी ईजी काम है, आप आराम से कर सकते हैं घर पर बैठे ही। बाकी मैंने आपको ये दिखाया, आपको एक बार ब्रेक टेस्ट कराता हूँ इसकी, देखें आप, पीछे की ब्रेक सही से काम कर रही है इसकी, और आगे की भी सही से कर रही है, कोई इशू नहीं है। बाकी इस वीडियो में यही था, मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था, अगर आपका अगला और पिछला ब्रेक जाम हो जाता है, अगला ब्रेक जाम हो जाता है, तो आप ऐसे एडजस्ट करके सही कर सकते हैं ऑयलिंग वगैरह करके। इस वीडियो में यही था, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, एज अ स्मॉल यूट्यूबर प्लीज़ सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करना, बहुत बहुत धन्यवाद।